चटपटा खाने का मन कर रहा हो तो इस पापड़ी चाट की रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तनुज पांच फोरन। आज हम बनाएंगे क्विक दही पापड़ी चाट। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और इसका टेस्ट तो बहुत ही जबरदस्त आता है। और आज की इस रेसिपी को देखकर आप सभी के मुंह में पानी तो जरूर आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। पापड़ी चाट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है पापड़िया। ये वही पापड़िया है जो मैंने अपने पानी पूरी की रेसिपी में आपको बताया था कि कोई कोई सी पूरी मेरी फूली नहीं थी, जो पापड़ी बन गई थी उसे मैंने रख दिया था और यहाँ पर हम उसका यूज करेंगे पापड़ी चाट बनाने के लिए। वैसे तो पापड़िया मैदे से बनाई जाती है, उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द शेयर करूंगी। यहाँ पर मैंने लिए हैं थोड़े से उबले हुए आलू जिसे मैंने स्लाइस कर लिए हैं। तो उबले हुए आलू के स्लाइसेस को हम पापड़ी के ऊपर रख देंगे। घर पर पापड़ी चाट बनाना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप जब मन करे पापड़ी चाट बनाकर खा सकते हैं। अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़े से कटे हुए खीरे के स्लाइसेस। अब मैं इसमें डालूंगी फेटी हुई दही, यानी कि 4-5 बड़े चम्मच दही में मैंने 1 बड़ा चम्मच शक्कर मिलाकर अच्छी तरीके से फेंट लिया है और यहाँ पर हम इसे ऐड करेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी हरी चटनी। हरी चटनी की रेसिपी में मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़े से कटे हुए प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। तीखा आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। प्याज और टमाटर को मैंने रफली चॉप किया है, आप चाहे तो बिल्कुल बारीक भी काट सकते हैं। आप चाहे तो चाट के ऊपर अलग से मसाले भी डाल सकते हैं, जैसे कि भुने हुए जीरे का पाउडर, चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, पर मैं इसमें एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगी। अब मैंने इसमें डाल दिया है इमली की चटनी। इसकी रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर डाली हुई है, आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूंगी। इमली की चटनी में मैंने सारे मसाले ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, इसलिए मैं एक्स्ट्रा मसाले इसमें ऐड नहीं करूंगी। थोड़े से सेव भुजिया डाल देंगे। सेव भुजिया भी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। वापस से हम इसमें दही डालेंगे। पापड़ी चाट में जो भी इंग्रेडिएंट्स हम डाल रहे हैं इसकी क्वांटिटी हम अपने हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा दही पसंद हो आप दही डाल सकते हैं, हरी चटनी पसंद हो ज्यादा तो हरी चटनी डाल सकते हैं। आप अपने हिसाब से इसे कैसे भी बनाए, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने यहाँ पे वापस से हरी चटनी डाल दिया है। और इसे देखकर मुंह में पानी तो आ ही रहा होगा, अभी ये बना नहीं है, थोड़ा सा बाकी है। वापस से हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी इमली वाली खट्टी मीठी सी चटनी। मुझे इमली की चटनी बहुत पसंद है। इमली की चटनी आपको मार्केट में रेडीमेड में मिल जाएगी, पर घर पर बनी हुई चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो चटनी भी डाल दिया है। वापस से हम थोड़े से जो बचे हुए प्याज और हरी मिर्च थे उसे भी डाल देंगे। सेव भुजिया डालेंगे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे अनार के दाने। ये ऑप्शनल है, पर अगर आप इसे डालेंगे तो चाट हमारा बहुत ही कलरफुल दिखेगा और साथ साथ इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। थोड़े से कटे हुए हरे धनिए के पत्ते भी डाल देंगे और बस हमारा चटपटा क्विक दही पापड़ी चाट बनकर बिल्कुल तैयार है। लग रहा ना टेस्टी, और इसे देखकर आपको खाने का मन तो कर ही रहा होगा, मुंह में पानी भी आ रहा होगा। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए याद से बेल आइकन को जरूर ऑन करें और इस पापड़ी चाट को एक बार तो जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।